माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो, और इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे, ऐसे हम सब कामनाएं करते हैं। आज देश की करोड़ों महिलाओं का आशीर्वाद भी प्रधानमंत्री जी को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकाल में महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के आत्मनिर्भर के लिए, महिलाओं को स्वास्थ्य के लिए और महिलाओं को पोषण मिले, इसके लिए देश भर में व्यापक प्रयास किए हैं। और इसीलिए देश की माता बहनों को, उनको हमेशा आशीर्वाद मिलता है। आज का दिन हम सबके लिए महत्वपूर्ण दिन है कि देश के ऐसे नेता जिन्होंने भारत को गौरव दिलाया, भारत के सामाजिक आर्थिक लोगों के जीवन के बदलाव के लिए एक समर्पण और सेवा के साथ काम किया, भारत का यश और कीर्तिमान दुनिया में बढ़े, एक शक्तिशाली भारत, एक मजबूत भारत, सबका सहयोग करने वाला भारत, वसुदेव कुटुंबकम की संस्कार वाला भारत तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए प्रधानमंत्री जी के प्रयास की हम सब लोग सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री जी का मत रहता है कि सामूहिकता के साथ सब मिलकर सबके संकल्प से हम आजादी के जब 100 साल हों तब भारत विकसित राष्ट्र बने, और इसी विकसित राष्ट्र के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारे सामने जो माता बहनें बैठी है, ये समर्पण सेवा त्याग की मूर्ति है। इनका समर्पण परिवार के लिए, इनका समर्पण समाज के लिए, इनका समर्पण देश के लिए है। और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रयासों से भारत आगे बढ़ रहा है। हम चाहते हैं कि इस देश की हर महिला स्वस्थ रहे, पोषित रहे, और जो आने वाली पीढ़ी को वो जन्म दे रही है वो भी स्वस्थ रहे। इसीलिए मैं उन सब चिकित्सकों का विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं जो लगातार आपके स्वस्थ रहने की कामना करती है, स्वस्थ करने की प्रयास करती है, हर महीने आपकी जांच करती है, और उस जांच में जो कुछ भी उनको कमी आती है उस कमी के लिए दवाएं भी उपलब्ध कराती है, आपको सलाह भी देती है। मेरी भी आपको यही निवेदन है कि हम हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे इलाके के अंदर, मोहल्ले के अंदर, वार्ड के अंदर, गांव के अंदर ऐसी महिला जो गर्भवती है, जिनके पास धन का अभाव है, ऐसी महिलाओं को चिन्हित करें और उन महिलाओं को जन सहयोग से हम 9 महीने तक का पोषण किट उपलब्ध कराएं, ताकि वह महिला भी स्वस्थ रहे और उसके होने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहे।
इसके लिए हमें सामूहिकता से काम करना होगा। मैं सभी माता बहनों से यह भी आग्रह करूंगा कि हमें पौष्टिक आहार के अंदर क्या क्या खाद्य वस्तुएं मिलनी चाहिए, इसकी भी समय समय पर आपकी सलाह हमें मिलती रहे, ताकि हम एक अच्छा पौष्टिक आहार, अच्छा पौष्टिक खाना आपको उपलब्ध करा सके। हमारी कोशिश रहती है कि हर महीने आपकी जांच हो और जांच में जो कुछ भी कमी के लक्षण आप में दिख रहे हैं, उन लक्षणों के लिए जहां दवाई की आवश्यकता है दवाएं उपलब्ध कराएं, जहां खून की आवश्यकता है खून उपलब्ध कराएं, जहां और पौष्टिक आहार की आवश्यकता हो और वैदिक पौष्टिक आहार उपलब्ध कराएं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि इस अभियान को शुरुआत करें, हमें 2 महीने हो गए और 2 महीने में जो आपको अनुभव आया, उस अनुभव के आधार पर हम क्या क्या पौष्टिक दे सकते हैं, क्योंकि आपका लंबा अनुभव है, इससे बढ़िया पौष्टिक क्या दे सकते हैं, आपके जांच में किन किन दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, उन दवाइयों के अंदर आपको मिलने में क्या परेशानी आती है और आपको जांच में क्या परेशानी आती है। हमारी कोशिश तो यह है कि हम हर CHC लेवल पर आपके नजदीक इलाके के अंदर आपकी जांच करा दें और उसी तरीके से आपको पौष्टिक आहार भी वहां पर मिल जाए। आने वाले समय में हमारी कोशिश है कि आपकी जांच हर महीने हो और पौष्टिक आहार आपके घर तक पहुंचे, आपको पौष्टिक आहार लेने के लिए भी आना ना पड़े। इन दोनों बातों को लेकर हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि हमारी कोशिश होना चाहिए कि समाज का सबसे वंचित गरीब व्यक्ति, जिसको आप आपकी आंखों से देखो, उसका नाम हमारे संसदीय कार्यालय में नोट कराओ, डॉक्टर साहब को बताओ कि हमारे मोहल्ले के अंदर मुझसे भी गरीब महिला ये है, उसको पौष्टिक आहार की जरूरत है, हम उसको भी पौष्टिक आहार उपलब्ध कराएंगे। और हमारी कोशिश है कि हर माँ जिसका बच्चा भी स्वस्थ रहे वह भी स्वस्थ रहे, जब तक ये हमारा संकल्प अभियान चलता रहेगा। हमारा भी संकल्प है कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर शिशु दर और मृत्यु दर दुनिया के अंदर जितना भी पैराग्राफ है उसमें सबसे कम अगर कोई हो तो कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर हो, और इसी संकल्प के साथ हमें काम करना है। मुझे आशा है आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हमें मिलता है, और आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, उनका आशीर्वाद भी हमें मिले और हर महिला स्वस्थ रहे पोषित रहे, स्वस्थ रहे पोषित रहे और अच्छे बच्चे को जन्म दे, उस बच्चे को अच्छी पढ़ाई अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए भी हमारा प्रयास है। दूसरा प्रयास हमारा ये भी है कि आप लोगों से आग्रहपूर्वक निवेदन है कि आपके पास कोई धन की कमी हो तो बताएं, लेकिन आप अपनी डिलीवरी को सरकारी या निजी अस्पताल में कराएं, और आपको लगता है उसके बाद भी कि मेरे बच्चे के पैदा होने के साथ ही कुछ ऐसी गंभीर बीमारी है तो उसकी जानकारी भी हमें संसदीय कार्यालय को दे या डॉक्टर को दे, ताकि बच्चों के डॉक्टर को दिखा के उसको सकुशल कर सके। और कई बार बच्चे को जन्मजात ही गंभीर बीमारी होती है, हमारी कोशिश है कि जन्मजात गंभीर बीमारी को कैसे ठीक किया जा सकता है उसके लिए भी प्रयास करें। और एक आपसे आग्रह कि देश में जितने भी टीकाकरण है उस टीकाकरण को पैदा होने के पहले और पैदा होने के बाद जो डॉक्टर आपको सलाह देता है उसकी सलाह को मानकर टीकाकरण अभियान में भी सहयोग करना चाहिए, ताकि जिस तरीके से पोलियो मुक्त भारत हुआ है, हम आने वाले समय के अंदर बच्चे को कोई भी बीमारी न हो इसके लिए टीकाकरण भी अनिवार्यता है और उसके लिए डॉक्टर की सलाह को माने, ये मेरा आग्रह है। मेरी कोशिश है कि आप सबके सहयोग से आज हम इतनी महिलाओं कर पाए
और महिलाओं को करेंगे। हमारे पास जन सहयोग की कोई कमी नहीं, हमारा तो लक्ष्य यह है कि कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर रहने वाली हर महिला स्वस्थ रहे, उसका बच्चा स्वस्थ रहे, वह सुपोषित रहे, ताकि आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ रहे। इस अभियान को चलाकर रखेंगे और हर माँ के बच्चा स्वस्थ रहे, इसके संकल्प को पूरा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।